हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में आपको स्वागत है। हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्लास स्टार्ट किए थे, उसमें 3 क्लास हो चुका है, आज क्लास नंबर 4 है। मैं आपको बताया था कि मेजरिंग टूल, कटिंग टूल, मार्किंग टूल, यानी कि पूरा जो सिलेबस है वह फीटर का, मैं A to Z मेजरिंग टूल से, कटिंग टूल से, मार्किंग टूल से, मेंटेनेंस, एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट, वेल्डिंग, फास्टनर, पूरा टॉपिक आपको YouTube पर फ्री पढ़ाया जाएगा। कुछ कुछ कारणवश लाइव नहीं आ पाते हैं, तो रिकॉर्डिंग विधि द्वारा भी आपको क्लास मिलते रहेंगे और कभी कभी हम लाइव भी आते रहेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे वर्नियर माइक्रोमीटर किस सिस्टम में, ब्रिटिश सिस्टम में पढ़े थे। लेकिन इससे पहले चैनल पर जो भी लोग हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यह YouTube का एकमात्र ऐसा चैनल है जो संपूर्ण क्लास आपको YouTube पर फ्री प्रोवाइड करवाया जा रहा है। कोई ऐसा चैनल नहीं है जो आपको पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाए फ्री में। लेकिन हम आपको बोला हूं कि मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, तो मेजिंग टूल का 3 क्लास हो चुका है, आज क्लास नंबर 4 है। लेकिन एक क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस जो पीछे पढ़ लिए थे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे फिर से, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज क्लास स्टार्ट करेंगे। देखते हैं, हम सबसे पहले पिछले जो क्लास में पढ़े थे वह वर्नियर माइक्रोमीटर का रीडिंग पढ़े थे, ठीक है। तो वर्नियर माइक्रोमीटर में रीडिंग में हम ब्रिटिश सिस्टम में पढ़े थे, तो बताइए कि जैसे यही क्वेश्चन हम बताए थे, इसी तरह के एक क्वेश्चन और अगर हम दे दें यहाँ पर, जैसे यह इसके जगह, ये तो हम बता चुका हूं, इसके जगह अगर 4.8888 इंच है, यह किस सिस्टम में है, ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर। ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.0001 इंच होता है, ठीक है। यानी कि पॉइंट के बाद 4 अंक तक होता है। तो सबसे पहले जो हम रीडिंग दिए इसमें बताइए रेंज क्या होगा, तो हम बताए थे कि माइक्रोमीटर का जो रेंज होता है वह कितना से होता है, 0 से 25, अच्छा ये ब्रिटिश में है, 0 से 1 इंच, 1 से 2 इंच, 2 से 3 इंच, 3 से 4 इंच, 4 से 5 इंच और 5 से 6 इंच होगा। अब आप बताइए कि यह किसके बीच आ रहा है, यह जो रीडिंग है यह किसके बीच आ रहा है, तो 4 से 5, यानी कि रेंज जो हो जाएगा 4 से 5 हो जाएगा। MSD निकालने का तरीका बताए थे कि पॉइंट के बाद जो पहला अंक होता है वह MSD का मान होता है, पॉइंट के बाद यह जो पहला अंक है वह MSD का मान होता है, और पॉइंट के जो लास्ट अंक होता है वह VSD का मान होता है, कितना, VSD का, ये जो होता है MSD का मान होता है। तो 2 पॉइंट तो निकल गया, VSD का मान 8 है और MSD का मान 8 है। अब हमको सब डिवीजन और थिम्बल डिवीजन का मान निकालना है। मैं आपको बता दूं, अगर 0 से लेकर 24 तक रहेगा, यह दोनों अंक को पहले देखिए, 0 से 24 तक रहेगा तो सब डिवीजन का मान 0 होगा। अगर 25 से लेकर कहां तक हो, 25 से लेकर 49 तक होगा तो सब डिवीजन का मान 1 होगा। 50 से लेकर 74 तक रहेगा तो 2 सब डिवीजन होगा, और तीसरा 75 से लेकर 99 तक रहेगा तो 3 सब डिवीजन। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश माइक्रोमीटर में सब डिवीजन का जो मान होता है वह 0.025 होता है, यानी कि 25 दे रहा है तो 3 सब डिवीजन का मान 75। अब बताइए यह 88 किसके बीच आ रहा है, यानी कि 75 से अधिक है तो सब डिवीजन का यहां मान हो जाएगा 3, और 1 सब डिवीजन का मान 0.025 होता है, यानी कि 25 आता है तो 3 सब डिवीजन का मान कितना होगा, 25 75। तो इस 88 में से
इस 88 में से 75 को घटा दीजिए तो कितना आएगा, 8 में से 5 जाएगा 3 और 8 में से 7 जाएगा 1, यानी कि थिंबल डिवीजन का जो मान आ गया वह आ गया 13। यहाँ तक हम क्लास करवा चुके थे, और मैं अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसमें क्या है कि हम रीडिंग तीन तरीका से बताए हैं, रीडिंग तीन तरीका से बताए हैं आपको, बाई फिगर द्वारा भी बताए हैं, दूसरा बताए हैं कि आपको टोटल लैंग्वेज में जो रीडिंग देता है वह बताए हूँ, और तीसरा रीडिंग जैसे टोटल रीडिंग देकर यह पार्ट्स को जो हम अलग कर रहे हैं इस तरह भी हम बताए हैं। तो वर्नियर माइक्रोमीटर तक आपको पढ़ चुके थे, और वर्नियर माइक्रोमीटर मीट्रिक में, ब्रिटिश में, साधारण माइक्रोमीटर मीट्रिक में, ब्रिटिश में, रीडिंग लेना, लिस्ट काउंट निकालना, सब तरीका हम लोग पढ़ चुके थे। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हम लोग शुरू में जो रीडिंग पढ़े हैं ना, बस वही है। अब कुछ है जो टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर में है, टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर में जैसे डेप्थ माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर क्या है, सबसे पहले फिगर देखिए, यह है डेप्थ माइक्रोमीटर, नाम से ही स्पष्ट है कि डेप्थ माइक्रोमीटर है, यानी कि इसका जो रीडिंग लेंगे, इसका जो माप लेते हैं वह गहराई को माप लेने के लिए किया जाता है। एक बात और याद रखिएगा, जो आउटसाइड माइक्रोमीटर में हम लोग रीडिंग लेते थे तो जो दिखता था उस भाग को हम लोग पढ़ते थे, इसमें क्या होता है कि जो रीडिंग ढक जाता है ना उस रीडिंग को हम लोग पढ़ते हैं, अंतर समझिएगा। अब क्वेश्चन को समझिए, देखिए मेन बात है ना कि आखिर किस रूप में क्वेश्चन पूछेगा और कैसे पूछेगा, तो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट आपको नोट्स बनाया गया है, यानी कि इस टाइप के आप पढ़ लेते हैं। अगर मेरा पूरा क्लास आप पढ़ लीजिएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। देखते हैं पॉइंट्स में क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है इसे डेप्थ गेज माइक्रोमीटर के हम नाम से जानते हैं, डेप्थ माइक्रोमीटर जो है ना उसे डेप्थ गेज माइक्रोमीटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि इस माइक्रोमीटर में फ्रेम और एनविल नहीं होता है, जिस तरह आउटसाइड माइक्रोमीटर में फ्रेम और एनविल होता है, इसमें फ्रेम और एनविल नहीं आता। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पूछेगा निम्न में से किस माइक्रोमीटर में फ्रेम और एनविल नहीं होता है, तो आपको दे देगा आउटसाइड माइक्रोमीटर, ट्यूब माइक्रोमीटर, फ्लेंज माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर। तो क्या होगा आंसर, डेप्थ माइक्रोमीटर। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। इस माइक्रोमीटर का जीरो रीडिंग रैचेट की ओर होता है। हम लोग ओ वाला माइक्रोमीटर में जब पढ़े थे तो जीरो रीडिंग जो होता था ना ऐसे, तो आपको जीरो रीडिंग लॉक नट की ओर होता था, इधर से होता था, लेकिन इसमें जीरो रीडिंग कहाँ होता है, रैचेट की ओर होता है, रैचेट की ओर होता है। थोड़ा सा देख लीजिए, मैं बताता हूँ, यह फिगर है, यह फिगर है। तो फिगर में इसमें क्या, हम लोग जो पढ़े थे माइक्रोमीटर आउटसाइड, तो आउटसाइड माइक्रोमीटर में, आउटसाइड माइक्रोमीटर में ये जो होता था तो यहां जीरो हम लोग पढ़ते थे और इस तरफ रैचेट होता था, ठीक है। इस माइक्रोमीटर में रैचेट की ओर जीरो होता है, यानी कि जो ढक जाता है ना पार्ट, उसमें जो दिखता था उसको हम रीडिंग पढ़ते थे, और इसमें जो ढक जाता है उस पार्ट को हम लोग रीडिंग पढ़ते हैं। तो कहा जाता है कि निम्न में से, यानी कि इस माइक्रोमीटर में जो जीरो रीडिंग है वह किस ओर है, रैचेट की ओर है। ऐसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रैचेट पर कौन सा थ्रेड कटा होता है, रैचेट पर कौन सा थ्रेड कटा होता है और क्यों कटा होता है। चलिए मैं ही बता देता हूं, रैचेट पर बटरेस थ्रेड कटा होता है। कौन सा थ्रेड कटा होता है, बटरेस थ्रेड कटा होता है। बटरेस थ्रेड का काम कहां होता है, यूनिडायरेक्शनल में, जहां फोर्स लगता है, जहां यूनिडायरेक्शनल में एक तरफा फोर्स लगता है वहां पर बटरेस थ्रेड का यूज किया जाता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि इस माइक्रोमीटर के जीरो रीडिंग रैचेट की ओर है। इस माइक्रोमीटर का रीडिंग उल्टा पढ़ते हैं, अर्थात रैचेट से बेस की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत वीवीआई एग्जाम में आता है,
निम्न में से किस माइक्रोमीटर का रीडिंग उल्टा पढ़ते हैं? तो डेप्थ माइक्रोमीटर का रीडिंग उल्टा पढ़ते हैं, अर्थात सब में जो रीडिंग पढ़ते थे वह लॉक नट से जीरो की ओर स्टार्ट होता है, रैचेट की ओर मैक्सिमम होता था, इसमें रैचेट की ओर जीरो स्टार्ट होता है, अर्थात जो ढक जाता है पार्ट्स उसी को रीडिंग हम लोग पढ़ते हैं। इस माइक्रोमीटर का रेंज जो है, तो रेंज जानते ही हैं कि सभी माइक्रोमीटर का 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125, 125 से 150। अगर ब्रिटिश में बोलेगा तो 0 से 1 इंच, 1 से 2 इंच, 2 से 3 इंच, 3 से 4 इंच, 4 से 5 इंच और 5 से 6 इंच, यह माइक्रोमीटर का रेंज होता है। एक बात और समझ लीजिए, माइक्रोमीटर में रेंज बदलने से स्पिंडल का साइज नहीं बदलता है, रेंज बदलने वो आउटसाइड माइक्रोमीटर में, आउटसाइड माइक्रोमीटर में रेंज बदलने से स्पिंडल का साइज नहीं बदलता है। इसमें भी वैसा ही होता है, अगर रेंज बढ़ाना हो तो एक्सटेंशन रॉड को लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, एक्सटेंशन रॉड को लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश सिस्टम में देख लीजिए, इस माइक्रोमीटर का रेंज एक्सटेंशन रॉड द्वारा बढ़ाया जाता है, इस माइक्रोमीटर का रेंज किसके द्वारा बढ़ाया जाता है, एक्सटेंशन रॉड के द्वारा बढ़ाया जाता है। कह रहा है कि इस माइक्रोमीटर मीट्रिक सिस्टम के है, मीट्रिक सिस्टम में लीस्ट काउंट 0.01 mm होता है और ब्रिटिश सिस्टम में लीस्ट काउंट 0.001 इंच होता है। थोड़ा सा समझते हैं लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट हम निकालने के लिए आपको बताए थे कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है पिच और बाय थिंबल डिवीजन। तो माइक्रोमीटर का पिच का मान कितना होता है, 0.5 होता है और थिंबल पर डिवीजन कितने होते हैं। तो एक और बात क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बताइएगा माइक्रोमीटर के, सॉरी मीट्रिक माइक्रोमीटर में थिंबल पर कितने डिवीजन होते हैं, तो मीट्रिक माइक्रोमीटर के थिंबल पर 50 डिवीजन होते हैं, तो 50 से यहाँ भाग दे दीजिए, तो यह पॉइंट को हटाइएगा तो 1055 कैंसिल 1/100 अर्थात 0.01 mm। आप कमेंट करके एक कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करिएगा कि ब्रिटिश सिस्टम में माइक्रोमीटर के थिंबल पर कितने डिवीजन होते हैं, ब्रिटिश सिस्टम में माइक्रोमीटर के थिंबल पर कितने डिवीजन होते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला जो है, इस माइक्रोमीटर का ब्रिटिश सिस्टम में लिस्ट काउंट दिया हुआ है, यह तो देखिए हम ब्रिटिश सिस्टम में भी लिस्ट काउंट आपको निकाल देते हैं। ब्रिटिश सिस्टम में पिच, तो पिच का मान होता है 0.025 होता है और डिवीजन की संख्या 25 होता है, पॉइंट के बाद क्या है अंक है 3, तो 1020 3 बैठा दिए, 25 25 कैंसिल, तो कितना अंक के बाद पॉइंट, 3 अंक है, तो 0.001 इंच हो गया। तो इस तरह से लिस्ट काउंट आप याद मत करिएगा, निकालने का तरीका सीखिएगा, सिस्टम समझिए, ठीक है। अब है इसमें विभिन्न पार्ट्स होते हैं, विभिन्न पार्ट्स होते हैं, रैचेट है, स्टॉप है, थिंबल है, स्लीव है, लॉक नट है, स्टॉक है, स्पिंडल है। यह देखिएगा, इस भाग को रैचेट कहते हैं, यह थिंबल है, इसको स्लीव या बैरल बोलते हैं, यह क्या है, यह एक्सटेंशन रॉड है, यह इसको क्या बोलते हैं भी? हाँ, स्टॉक या इसको सॉरी बेस बोलते हैं। तो इस तरह से आपको होता है। अब आइए, कह रहा है कि आखिर इसका यूज कहाँ करते हैं, डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज कहाँ करते हैं, तो होल की गहराई को चेक करने के लिए। कोई होल है और होल की, यह होल का दो साइज होता है, एक इसकी डाया होता है और एक इसकी गहराई होता है, तो गहराई को चेक करने के लिए, ग्रूव या स्लॉट के भी गहराई को चेक करने के लिए, जैसे छोटे छोटे ग्रूव कटे होते हैं उसको साइज को चेक करने, शोल्डर का या प्रोजेक्शन की ऊंचाई चेक करने के लिए, जैसे इस तरह का शोल्डर, तो इसकी ऊंचाई चेक करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह था डेप्थ माइक्रोमीटर, और डेप्थ माइक्रोमीटर के इस प्रकार से रीडिंग आपको लेते हैं। अगला जो है इनसाइड माइक्रोमीटर, फिगर देख लीजिए पहले,
यह है इनसाइड माइक्रोमीटर, फिगर देख लीजिए, यह है इनसाइड माइक्रोमीटर। अब इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा इसके बारे में समझते हैं। देखिए इनसाइड माइक्रोमीटर से भी क्वेश्चन दो तीन ही आते हैं, ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसमें इस माइक्रोमीटर में फ्रेम नहीं होता है। क्या नहीं होता है? इस माइक्रोमीटर में फ्रेम नहीं होता है। इस माइक्रोमीटर के एक सिरे पर एडजस्टेबल एनविल और दूसरे सिरे पर स्थिर अर्थात फिक्स एनविल होता है। इस माइक्रोमीटर में दो एनविल होता है, एक एडजस्टेबल एनविल होता है और दूसरा जो एनविल होता है वह फिक्स होता है। इसमें मेट्रिक सिस्टम में 10 mm स्पेसिफिक कॉलर का साइज होता है। यह बहुत VBI है, इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन आता है कि इनसाइड माइक्रोमीटर में स्पेसिफिक कॉलर साइज कितना होता है, 10 mm, या इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा निम्न में से किस साइज के, यानी कि इससे कम साइज नहीं माप सकते, मिनिमम साइज क्या माप सकते हैं, तो 10 mm। क्या माप सकते हैं? 10 mm। और ब्रिटिश में पूछेगा तो 1/2 inch। अगर इससे अधिक साइज मापना है तो हम लोग एक्सटेंशन रॉड लगाकर माप सकते हैं, और एक्सटेंशन रॉड 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125, 125 से 150 होता है। उसी तरह ब्रिटिश में भी होता है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 होता है, यह रेंज होता है। इसमें एक एनविल स्लीव की तरफ और दूसरा एनविल जो होता है एक्सटेंशन रॉड की तरफ होता है। एक स्लीव की तरफ एनविल होता है और दूसरा जो होता है वह एक्सटेंशन रॉड की तरफ होता है। उसके बाद करें इस सिस्टम मीट्रिक सिस्टम में माइक्रोमीटर के चाहे कोई भी माइक्रोमीटर है, लीस्ट काउंट अगर पूछेगा तो 0.01 mm ही होगा। माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट जो साधारण माइक्रोमीटर का होता है वही इसका भी होता है 0.01 mm। ब्रिटिश सिस्टम में अगर पूछेगा तो 0.001 inch होता है। उसके बाद कह रहा है कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर इनसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट वही है 0.001 inch। इसका प्रयोग अंदरूनी साइज को माप लेने के लिए करते हैं, यानी कि इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग इंटरनल साइज को माप लेने के लिए करते हैं। इंटरनल साइज, इसका प्रयोग समांतर सरफेस के बीच की दूरी भी मापते हैं। जैसे यह दो सरफेस है और यह दोनों समांतर है तो इसके बीच की दूरी को भी मापा जाता है। किसके द्वारा? इनसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा। उसके बाद कह रहा है कि इनसाइड माइक्रोमीटर रिंग गेज के द्वारा जीरो एरर। रिंग गेज कैसा होता है? इस तरह होता है, और इस माइक्रोमीटर में आपको जीरो एरर रिंग गेज के द्वारा, मास्टर रिंग गेज के द्वारा चेक करते हैं। बहुत VBI क्वेश्चन है जी, मास्टर रिंग गेज के द्वारा जीरो एरर को चेक करते हैं। अब कौन सा माइक्रोमीटर है? स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। बहुत VBI है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, समझिए नाम से ही अस्पष्ट है, स्क्रू थ्रेड यानी कि थ्रेड का पीच मापने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, क्या कर रहा है? यह आउटसाइड माइक्रोमीटर की तरह होता है। देखिए यह जो है ना आउटसाइड माइक्रोमीटर जैसा देखे हैं उसी तरह के होता है। यहाँ केवल आपको एक इस तरह से ग्रुप कटा होता है और यहाँ जो होता है यानी कि इस तरह से ग्रुप कटा होता है, यानी कि यह इस तरह से और इस तरह से ग्रुप कटा होता है। देखिए यहाँ भी रेंज भी लिखा होता है, हम बोले भी थे कि माइक्रोमीटर के फ्रेम पर रेंज लिखा होता है। यह लिस्ट काउंट लिखा हुआ है 0.01 mm। यह आपको क्या है? रैचेट है। ठीक है, यह क्या है? थिम्बल है। यह क्या है? स्लीव है, या इसी को क्या बोलते हैं? बैरल बोलते हैं। यह स्पिंडल है। ठीक है, तो इस तरह से माइक्रोमीटर है। अब इसके बारे में समझते हैं आखिर क्वेश्चन कैसे पूछेगा और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस माइक्रोमीटर में एनविल और स्पिंडल के फेस कोनिकल होते हैं। कह रहा है ना
कि इस माइक्रोमीटर में एनविल का और स्पिंडल का फेस जो होता है वह कोनिकल होता है, ठीक है। इसका फेस 55 डिग्री या 60 डिग्री, अब बोलिए 55 और 60 ही क्यों, क्योंकि हमारा जो थ्रेड का एंगल होता है वह 60 डिग्री और 55 डिग्री, मीट्रिक सिस्टम में 60 डिग्री और ब्रिटिश सिस्टम में 55 डिग्री होता है। इसका एनविल 55 डिग्री 60 डिग्री के कोण पर भी ग्रुप में कटे होते हैं। इसका प्रयोग पिच डायमीटर मापने के लिए भी करते हैं। देखिए पहला तो एंगल को चेक करने के लिए करते ही करते हैं पिच डायमीटर, इसका प्रयोग मीट्रिक और ब्रिटिश सिस्टम में पिच डायमीटर मापने के लिए करते हैं। इसके द्वारा मीट्रिक सिस्टम में M1 से M6, यह एक क्वेश्चन है आपको, अरे मुंबई डाक यार्ड में यह क्वेश्चन पूछा हुआ था कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा यानी कि मीट्रिक सिस्टम में माप लेते हैं M1 से M5, M3 से M2 ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ था, तो M1 से M6 तक, यह अभी तक कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ था लेकिन मुंबई डाक यार्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है। M1 मतलब क्या, 0.4 से 0.5, M2 0.6 से 0.8, ये तो नहीं पूछेगा, ये पूछे हुए हैं M3 का मान 1 से 1.75 तक होगा, M4 का मान दिया हुआ है, M5 का मान दिया हुआ है। तो ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में जो भी ग्रूव कटे होते हैं वह किस एंगल पर कटे होते हैं। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में जो भी ग्रूव कटे होते हैं वह किस एंगल पर कटे होते हैं, तो भी ग्रूव 55 डिग्री और 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब मेट्रिक सिस्टम और 55 डिग्री मतलब ब्रिटिश सिस्टम में कटे होते हैं। इसके द्वारा आपको ब्रिटिश सिस्टम में जो मापा जाता है वह W1 से W10 तक, W1 जो है यह 48 से 60 TPI है, ये क्या है TPI थ्रेड पर इंच, TPI थ्रेड पर इंच यह दिया हुआ है, ठीक है। यह सब क्या चीज में है, यह सब TPI में है, TPI मतलब थ्रेड पर इंच। एक क्वेश्चन आप और लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर में जो आपको थ्रेड कटे होते हैं स्पिंडल पर, ब्रिटिश माइक्रोमीटर में स्पिंडल पर जो थ्रेड कटे होते हैं वह कितना TPI के बने होते हैं, यह कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिएगा। अब उसके बाद है कौन सा माइक्रो, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर, इसको समझ लीजिए पहले। 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर जो है ना, ये समझिए, ये जो है ना कॉलर है, यहाँ कॉलर पर तीन एनविल निकला होता है। जैसे इसको हम अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे, जैसे ये जो है आप इसको क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो तीनों एनविल बाहर की ओर निकलेगा, ठीक है। और जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाइएगा तो तीनों एनविल जो है वह अंदर की ओर चला जाता है। एक बात और समझिए, यह इसके द्वारा 10 mm से 20 mm तक के साइज को ही मापा जाता है। क्वेश्चन आता है कि 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर के द्वारा किस साइज के माप लेते हैं, तो 10 mm से 20 mm तक के साइज के ही माप लेते हैं। इसके बारे में और विशेषता मैं बताता हूं, ये फिगर देख लिए हैं, अब उसके बाद चलते हैं। देखिए समझिए, कह रहा है कि यह एक प्रकार का आधुनिक माइक्रोमीटर है, यानी कि यह एक प्रकार का लेटेस्ट माइक्रोमीटर है, ठीक है। कह रहा है कि इसका प्रयोग होल या सिलेंडर का व्यास, जैसे यह आपको होल है और इसकी व्यास मापने के लिए किस माइक्रोमीटर का यूज करते हैं, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर का। इसके एक सिरे पर रैचेट स्टॉप और दूसरे सिरे पर थिम्बल होता है, और एक रैचेट थिम्बल दूसरे सिरे पर एक कॉलर होता है, एक कॉलर होता है, जैसे ये कॉलर मोटा होगा और कॉलर में 3 एनविल होता है, और जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं ना तो एनविल बाहर निकलता है, और एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाते हैं तो एनविल अंदर की ओर चला जाता है। इस प्रकार से यहाँ रीडिंग लिया जाता है।
हाँ जी कौन जाता है ना हो तो बोलिए, 1500 होगा हमारा भी। वहाँ कितना पैसा देते हैं? घरे जाने अभी क्लास ले थी लेकिन ये घरे पहुंचे ना तो फोन कर दूँगा। अभी घटता हो तो बोलिए। फोन आ गया था घर पर से। ठीक है, देखिए इसके थिम्बल पर क्लॉकवाइज घुमाया जाता है, इसमें थिम्बल को क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। थिम्बल को जब क्लॉकवाइज घुमाया जाता है तो एनविल जो होते हैं बाहर निकलते हैं, रीडिंग निकाले। लीस्ट काउंट लेकिन जो होता है 0.01 mm ही होता है। और इसके द्वारा यह ब्रिटिश सिस्टम में नहीं आता है, एक बात और समझ लीजिए, यह जो माइक्रोमीटर है ब्रिटिश सिस्टम में नहीं आता है। और यह जो है 10 mm से 20 mm तक के साइज को भी माप ले सकता है। क्वेश्चन में आता भी है कि 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर के द्वारा किस साइज के रीडिंग को लेते हैं, तो 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर के द्वारा 10 से 20 mm साइज के रीडिंग को लेते हैं। इसका प्रयोग जीरो एरर मास्टर रिंग गेज के द्वारा चेक करते हैं। इसके द्वारा जीरो एरर जो होता है वह किसके द्वारा चेक करते हैं? मास्टर रिंग गेज के द्वारा चेक करते हैं। किसके द्वारा? मास्टर रिंग गेज है, और इसमें जैसे ही आपको टच कराएंगे तो इसके द्वारा रीडिंग आपको चेक किया। जैसे इसकी मास्टर रिंग गेज लेंगे तो कितना साइज का लेना चाहिए? 10 mm का रहना चाहिए, जिसकी डाया 10 mm हो। अब जैसे ही माइक्रोमीटर को जीरो रीडिंग पर लाइएगा, जीरो रीडिंग पर लाइएगा तो ये इसमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो आपको इसके द्वारा क्या बोलते हैं, जीरो एरर को चेक किया जाता है। करा है कि इसे माइक्रो, कौन सा माइक्रोमीटर? ट्यूब माइक्रोमीटर। इसे ट्यूब माइक्रोमीटर के नाम से जानते हैं। इसका स्पिंडल और एनविल जो होते हैं 90 डिग्री पर बना होता है। देखिए इसका स्पिंडल और एनविल जो होते हैं वह किस डिग्री पर? 90 डिग्री पर बने होते हैं। कह रहा है कि इस एनविल के 90 डिग्री पर। इसका फ्रेम फोर्ज स्टील का बना होता है। ऐसे भी आउटसाइड माइक्रोमीटर का या जनरली जो भी माइक्रोमीटर में फ्रेम होते हैं वह किसका बना होता है? फोर्ज स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग पाइप या ट्यूब की मोटाई मापने के लिए करते हैं। यह भी है, यही पॉइंट को नोट कर लीजिए। इसका प्रयोग पाइप या ट्यूब की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग पाइप या ट्यूब की मोटाई को मापने के लिए किया जाता है। इसका फ्रेम अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार का होता है। इसका फ्रेम जो होता है अंग्रेजी के यू अक्षर के समान होता है। इसका पढ़ने का तरीका साधारण माइक्रोमीटर के तरह होता है। इसका पढ़ने का तरीका जो होता है वह साधारण माइक्रोमीटर के ही तरह होता है। इसमें फ्रेम की गहराई, यह इंपॉर्टेंट है जी, एक एग्जाम में यह भी पूछा हुआ है। ठीक है, सीट माइक्रोमीटर का गहराई कितना होता है? ये एग्जाम में पूछा हुआ है, 50 से 150 mm तक, 50 से 150 mm तक। सीट माइक्रोमीटर का गहराई जो होता है 50 से 150 mm तक। इसका प्रयोग सीट की मोटाई को मापने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग सीट की मोटाई को मापने के लिए किया जाता है। अब आती है डिश माइक्रोमीटर। डिश माइक्रोमीटर, इसे पेपर गेज माइक्रोमीटर के नाम से जानते हैं। इसे पेपर गेज माइक्रोमीटर के नाम से जानते हैं। इसका एनविल फेस स्पिंडल के फेस से आगे ज्यादा गोलाई में डिस्क के जैसा होता है। और इसके द्वारा पतले कागज की मापा जाता है। देखिए समझिए, यह जो है, देखिए इसमें यह जो है एनविल जो होता है डिस्क, अगर यह पतला नुकीला होगा तो कागज की जो मोटाई को मापेंगे तो कागज में होल हो जाएगा।
इसीलिए इसको डिस्क के रूप में बनाते हैं। किस रूप में? डिस्क। क्वेश्चन में आता है डिस्क माइक्रोमीटर का प्रयोग कहां करते हैं, तो डिस्क माइक्रोमीटर का प्रयोग कागज की थिकनेस को मापने के लिए किया जाता है। इस माइक्रोमीटर का एनविल और स्पिंडल आगे से पतला होता है। इस माइक्रोमीटर का एनविल और स्पिंडल आगे से पतला होता है। इसका स्पिंडल नहीं घूमता है, इसका जो है स्पिंडल नहीं घूमता है। इसके थिंबल के दबाव से आगे पे, हाँ यही एक ऐसा माइक्रोमीटर है जो प्रेशर से आगे पीछे घूमता है, स्पिंडल नहीं घूमता है। ठीक है, इसका प्रयोग की वे कटी शाफ्ट पर माप लेने के लिए करते हैं। की वे में कटी शाफ्ट को माप लेने के लिए किया जाता है। अब उसके बाद है अगला जो माइक्रोमीटर है वह फ्लेंज माइक्रोमीटर है। अगला जो माइक्रोमीटर है वह कौन सा माइक्रोमीटर है? एफ होगा, ये गलत है, एफ एल ए एन जी ई, फ्लेंज माइक्रोमीटर। फ्लेंज माइक्रोमीटर में इसका स्पिंडर और एनविल का फेस फ्लेंज टाइप बना होता है। ठीक है, इसका प्रयोग गियर के दांतों की कॉडल थिकनेस के लिए मापने के लिए करते हैं। इसका प्रयोग जो होते हैं कॉडल थिकनेस को मापने के लिए करते हैं। अब उसके बाद ये डिजिटल माइक्रोमीटर। देखिए डिजिटल माइक्रोमीटर में आप लोग देखे होंगे डायरेक्ट रीडिंग देता है वह, आपको ऐसा नहीं है कि थिम्बल पर कितना रीडिंग है मिल रहा है या स्लीव पर कितना मिल रहा है, डायरेक्ट रीडिंग दे देगा। जॉब का जो होता है, जैसे आप घड़ी देखे हैं ना स्मार्ट वॉच, उसी तरह के इसमें आपको डायरेक्ट रीडिंग, यहाँ से केवल दो क्वेश्चन ही पूछता है। डिजिटल माइक्रोमीटर से सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछेगा कि किस सिद्धांत पर काम करता है, तो रेक और पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर? रेक और पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है। इसका लिस्ट काउंट तो मेट्रिक सिस्टम में 0.01 mm होता है और ब्रिटिश सिस्टम में 0.0001 इंच होता है। एक बात और, साधारण माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm होता है, तो एक अंक पॉइंट बढ़ा दीजिए डिजिटल में। साधारण माइक्रोमीटर के ब्रिटिश में 0.001 होता है, इंच होता है, तो इसमें भी एक जीरो बढ़ा दीजिए। तो यह आज तक जो क्लास हमारा समाप्त हो गया वह माइक्रोमीटर का क्लास हो गया। अब मेजिंग टूल में अभी चार क्लास हुए हैं, मेजिंग टूल में चार क्लास हुए हैं, अभी दो क्लास और होंगे। कौन कौन सा क्लास? एक क्लास में वर्नियर कैलिपर मैं पूरा पढ़ा दूंगा, एक क्लास में वर्नियर कैलिपर पूरा पढ़ा दूंगा, और दूसरा क्लास में डायल टेस्ट इंडिकेटर होगा, और उसके बाद साइन बार का क्लास होगा, और उसके बाद गेज ब्लॉक का आपको क्लास होगा। तो दो क्लास और हम पढ़ाएंगे ना तो मेजिंग टूल का संपूर्ण क्लास हो जाएगा। मेजिंग टूल पहला जो हम क्लास किए थे वो 2.5 घंटे के चला था, और दूसरा क्लास 1 घंटे का है, तीसरा क्लास भी 1 घंटे का है, इसका अभी देखा नहीं हूँ टाइमिंग। ये हो गया, दो क्लास और कर लिए, मेजिंग टूल खत्म हो जाएगा। मेजिंग टूल जैसे ही खत्म होगा उसके बाद या तो कटिंग टूल या नहीं, उसके बाद गेज पढ़ाएंगे। मेजिंग टूल जैसे खत्म होगा गेज पढ़ाएंगे। आपको फिटर टर्नर मशीन में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट पॉइंट तक पढ़ाया जाएगा। शुरू से लेकर अगर मेजिंग टूल से स्टार्ट किए हैं तो लेथ मशीन तक पढ़ाया जाएगा। पावर ट्रांसमिशन, स्क्रू थ्रेड, हर टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। यूट्यूब पर फ्री पढ़ाया जाएगा, लेकिन चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपको मैं कभी डेली क्लास लेके आऊँगा, इवनिंग में एक क्लास आपको ज़रूर मिलेगा, या तो लाइव के रूप में मिले या रिकॉर्डिंग के रूप में मिले, लेकिन ज़रूर मिलेगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।